दोस्तों आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसके इस्तेमाल से, सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से ही आपको आपकी स्किन में जो है तुरंत फर्क दिखने वाला है, यानी कि इंस्टेंट आपको आपकी स्किन है ना एकदम बूस्ट दिखने वाली है। आपको आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्लॉलेस ग्लोइंग और ब्राइट दिखने वाली है। और सबसे बड़ी बात इस पैक की ये है कि ये सारे इंग्रेडिएंट आपके घर में ही उपलब्ध है, कुछ भी आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई एक इंग्रेडिएंट अगर आपको बाहर से लेना भी होगा तो बहुत वो 100-150 रुपए में ही जो है वो मिल जाएगा आपको, और वो आराम से आप बहुत दिन तक यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस फेस पैक को बनाना तो 100% मस्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में, और मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। जब भी बेल आइकॉन को क्लिक करें तो ऑल के ऊपर क्लिक करें। ऑल के ऊपर क्लिक करने के फायदे ये हैं कि मेरे शॉर्ट्स के भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। दोस्तों इस सुपर से भी ऊपर वाले रेमेडी को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट स्टेप करना है वो इतना बेहतरीन है कि ये सिर्फ स्टेप को भी अगर आप फॉलो करते हैं डेली तो यकीन करें आपको आपकी स्किन कमाल की दिखने वाली है, गजब की दिखने वाली है। और ये स्टेप के रेगुलर इस्तेमाल से, सिर्फ पहला जो स्टेप कर रही हूँ इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपको आपके ओपन पोर्स की परेशानी में बहुत हद तक आपको कम दिखने वाला है, यानी कि जो खुले रोम छिद्र होते हैं उसकी परेशानी आपको बहुत हद तक कम दिखने वाली है। एक्ने की परेशानी, पिंपल्स की परेशानी, इन सब की परेशानी के ऊपर भी आपको फर्क दिखने वाला है। तो जो पहला स्टेप है दोस्तों, इसको करने के पहले मैं अपने इयर रिंग को थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, ठीक है। जो स्टेप वन है दोस्तों उसको करने के लिए आपको चाहिए एक टमाटर। अब आप कहोगे छवि आप तो टमाटर के पीछे पड़ गए हो। या मैं किसी किसी चीज के पीछे पड़ जाती हूँ, बट ये जो इंग्रेडिएंट है इसके पीछे पड़ना, अब मैं कहूंगी आप सब भी पड़ जाओ, क्योंकि इतना बेहतरीन इंग्रेडिएंट है कि सन टैन की परेशानी हो, चाहे आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स हो, एक्ने हो, स्कार्स हो, पिगमेंटेशन हो, झाइयां हो, उन सबकी परेशानियों को ये टारगेट करता है, आपको देता है हद से ज्यादा फ्लॉलेस ग्लोइंग और ब्राइट स्किन। ये जो रेमेडी आज मैं लेकर के आई हूँ, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, सारे स्किन टाइप्स को जाने वाला है, और अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्ने स्कार्स हो तो भी जाने वाला है। तो चलो आपके मन में कि क्या है, छवि ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं है? अरे बाबा, मेरी सुपर से भी ऊपर वाली ड्राई स्किन है, आराम से आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, अंडर आई वी से कर रही हूँ यूज, क्योंकि आप सबको पता है मेरी ऐसे भी नींद पूरी नहीं होती है, जो मेरा लाइफ स्टाइल है वीडियो वगैरह बनाना, एडिट करना, ये सब करना, तो उस पर मुझे ऑलरेडी मुझे 3-4 बज जाते हैं डेली सोने में, और सुबह के 3-4 बजे सोती हूँ और सुबह उठ जाती हूँ 7 o'clock के करीब में, तो 2-2.5 घंटे की मेरी सिर्फ नींद होती है, और बहुत रेयर टाइम होता है जो मुझे डे टाइम में भी सोने को टाइम मिलता है। तो भैया मुझे हल्के से डार्क सर्कल नींद ना पूरी होने के कारण रहता ही है, तो ये जो है ना अंडर आई भी मैं लगा रही हूँ ताकि उसको टारगेट करे। तो चलिए इसे आपको कितने मिनट तक रब करना है, कम से कम 2-3 मिनट तक इसे आपको अपने पूरे फेस के ऊपर मसाज करना है, कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर से ऐसे की तरफ लेकर के ना जाए, नीचे से ऊपर की तरफ आप करें, ठीक है। जब आपके चेहरे के ऊपर ना जब आप इसे रब करते हो तो एक चीज तो बताना भूल ही गई, आप सोचोगे यार एक चेहरे के ऊपर क्रीम ही तो लगा हुआ है ना, कोई बात नहीं है, टोमेटो रब कर लेती हूँ तो गत्ता ही नहीं। आपके चेहरे के ऊपर कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए तभी आप इसे लगा सकते हो। मैं तो अभी किचन में थी, किचन से सीधा यहाँ आ गई हूँ आप लोगों के पास, सिर्फ एक लिपस्टिक और इयर रिंग पहन ली थी ताकि फेस बहुत ज्यादा डल ना लगे, और मैं सीधा किचन से यहाँ इसलिए आ गई हूँ ताकि आपको फर्क दिखेगा मेरी स्किन पहले कितनी डल लग रही थी और अभी कैसी दिख रही है। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैं मसाज कर चुकी हूँ, अब इसे मैं क्या करूंगी, हल्के हाथों से कुछ इस तरह से यूं इस तरह से मसाज करूंगी ताकि ये मेरी स्किन के अंदर है ना चला जाए कुछ इस तरह से, क्योंकि जब तक आप रब करते रहते हो आपका फेस गीला ही रहता है, यानी कि टोमेटो जूस जो है
वो रहता है आपके फेस के ऊपर। तो ये देखिए मेरी स्किन के अंदर जो है वो टोमेटो वो जा चुका है। अब मैं क्या करूँगी दोस्तों, अब आपके मन में होगा कि तो छवि क्या फेस को वॉश करना है, फेस को आपको वॉश नहीं करना है। जो ये आप फर्स्ट स्टेप किए हो इसके ऊपर ही आपको सेकेंड स्टेप करना है। अब सेकेंड स्टेप के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ले लेना है एक बाउल, चाहे वो प्लास्टिक का हो या फिर कांच का हो या फिर वुडन हो। मैं ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है, और सबसे बड़ी बात है आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स है, एक्ने है, स्कार्स है, उसको टारगेट करता है, आपके चेहरे से एक्सेस ऑयल को हटाता है, जिसके कारण आपको ज्यादा एक्ने स्कार्स की परेशानी नहीं होती है। मुझे लास्ट अभी कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू कमेंट आ रहा है कि कुछ पिंपल्स और एक्ने के लिए बताइए। ये फेस पैक ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया मुल्तानी मिट्टी, और ये मैं ले रही हूँ 1 स्पून। अब जो दोस्तों इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, वो मैं ऐड कर रही हूँ राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा। ये आपकी स्किन को व्हाइटन करता है, ब्राइटन करता है, लाइटन करता है। कोरियन ग्लास स्किन की हम बात करते हैं तो वो चाहते हो तो वो वाला काम जो है ना आपकी स्किन के ऊपर ये करता है। साथ ही साथ आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को भी टारगेट करता है, सारे स्किन टाइप्स को जाता है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेंसिटिव क्यों ना हो। तो मैं मुल्तानी मिट्टी भी ले रही हूँ 1 स्पून। अब जो दोस्तों इसके अंदर मैं थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ, वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको मैं बताऊंगी कि क्या करना है। मैं ले रही हूँ आपको एलोवेरा जेल। अब आप कहोगे एलोवेरा जेल के ग्रीन कलर का होना चाहिए तो ये येलो कलर का क्यों है? तो ये जो एलोवेरा जेल है ना, इसके ये हर्ब टॉनिक का एलोवेरा जेल है, और ये जो एलोवेरा जेल है इसके साथ विटामिन सी भी है, ये मिक्स है, विटामिन सी और एलोवेरा दोनों मिक्स है। ये मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों एलोवेरा जेल, ये वाला, ये मेरा अभी जस्ट अभी नया, मैं इसे अभी जस्ट अभी मंगाई हूँ क्योंकि मेरा पुराना खत्म हो गया था। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है, इसके अंदर से खुशबू आपको बहुत अच्छी आती है। अगर आपके पास ये एलोवेरा जेल नहीं है, आप सोचोगे कि छवि तब तो ये पैक में बना ही नहीं सकती, कोई बात नहीं, आप फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर 1 स्पून एलोवेरा जेल ऐड करती हूँ। आप चाहे तो इसे परचेस कर सकते हो, हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो खर्चना पैसा, नहीं करना चाहते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए मैं इसके अंदर विटामिन सी और एलोवेरा जेल जो है वो ऐड करती हूँ। अब दोस्तों इसके अंदर जो मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ, वो मैं ऐड करने वाली हूँ रोज वाटर, गुलाब जल। जैसे एलोवेरा जेल आपके पिगमेंटेशन, एक्ने, स्कार्स इन सबको टारगेट करता है और आपको रिंकल फ्री स्किन बनाता है एलोवेरा, वैसे ही जो ये रोज वाटर है ये आपकी स्किन को व्हाइटन, ब्राइटन, लाइटन करता है। और मेरा तो पर्सनल फेवरेट इंग्रेडिएंट है ये, एक ऐसा रोज वाटर एक ऐसा चीज है जो बेस्ट मॉइस्चराइजर से लेकर के बेस्ट टोनर तक है, ठीक है। तो ये मैं ले रही हूँ, मैं उतना लूंगी जितने में मेरा ये पैक बन के रेडी हो जाए। इस पैक में आप दही का इस्तेमाल ना करें, इस पैक में आप दूध इस्तेमाल ना करके अगर आप रोज वाटर के साथ इस पैक को बनाते हो तो बहुत अच्छा होगा। अब आपके मन में जरूर होगा कि फ्रेश एलोवेरा जेल ले लूंगी तो क्या उसमें भी मुझे रोज वाटर रखना पड़ेगा? मैं कहूँगी उतना आप एलोवेरा जेल लीजिए जितने में आपको रोज वाटर भी ऐड करना पड़े। रोज वाटर ऐड करते हो तो ये पैक का जो क्या बोलते हैं गुड़ है ना, और बढ़ जाएंगे। तो मैं एलोवेरा जेल सॉरी रोज वाटर जितना मिलाऊंगी जितने। चलिए फाइनली मेरा पैक बन के हो गया रेडी, अब इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ। छवि आप राइस फ्लावर तो मना करते हो अंडर आई लगाने के लिए, यस मैं आज भी बोलती हूँ कि राइस फ्लावर अगर है तो अंडर आई आप मत लगाइए, बट मैं राइस फ्लावर अंडर आई इसलिए लगा रही हूँ कि देखिए दोस्तों इसके निकालने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर आप अंडर आई लगाते हो ना तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप स्क्रब करके अंडर आई इसे अपने मतलब एकदम मसाज करते हुए तब अंडर आई से नहीं हटाएं, आप सीधा जो है वॉश कर ले अंडर आई जो है ना, आपको रब नहीं करना है, ठीक है। तो इसे अपने चेहरे के ऊपर लगा छोड़ूंगी 20 मिनट के लिए,
उसके बाद फेस को मैं वॉश करूंगी। एक चीज को मैं आपको बता दूं, फेस सीधा आपको वॉश नहीं करना है, हल्के हाथों से मसाज करते हुए 10 से 20 सेकेंड तक आपको मसाज करना है, उसके बाद आपको वॉश करना है। बट इस बात का ध्यान रखना है कि गलती से भी अंडर आई आपको नहीं लगाना है, अंडर आई सॉरी आपको मसाज नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं 20 मिनट के बाद। सो चुके हैं और आप मेरा फेस देखिए एकदम ड्राई हो चुका है, तो चलिए फेस को वॉश करती हूँ फिर रिजल्ट शेयर करती हूँ। दोस्तों अभी जस्ट फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ और आप मेरी स्किन देखिए बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस ग्लोइंग और ब्राइट लग रही है। तो मेरे फेस के ऊपर है पानी और इसी पानी के ऊपर ही अभी फेस को वॉश करके आई हूँ और इसके ऊपर मैं रोज वाटर स्प्रे कर रही हूँ, ओके, ताकि ये पानी के साथ साथ रोज वाटर भी जो है मेरी स्किन के अंदर जो है एकदम से चला जाए, ताकि मेरी स्किन और भी ज्यादा फ्लॉलेस ग्लोइंग और ब्राइट हो जाए। अब भाई ये जो स्टेप वन और स्टेप टू मैं बोली हूँ इसको आप कितने बार कर सकते हो? हफ्ते में 2 बार कर लेते हैं तो सफिशियंट होता है, सारे स्किन टाइप्स के लिए है, सो कोई टेंशन की बात नहीं है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए, वीडियो अच्छा लग गया हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और भी अच्छा लग गया हो चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।